बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी अटेन में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को अच्छे से प्लान कीजिए और साथ ही साथ घर में टाइम जो स्पेंड करें वो भी अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है। हम खबरों से आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह 11 बजे आपकी बर्थडे भी विश करेंगे, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहम है। सो 11:05 पर इंशाल्लाह इस टॉपिक को शामिल करेंगे। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। हम इससे पहले के खबरों की तरफ चलें। शहर में डेंगू के केसेस में बदतरीज इजाफा होता चला जा रहा है। अस्पतालों में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और आसपास भी लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और ये शिकायत कर रहे हैं कि जी बुखार मुसलसल रह रहा है। डेंगू और मलेरिया दोनों के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, 42 केसेस रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में भी और 32 मरीज जो हैं उनमें तस्दीक हुई है। अब बहुत सारे वो भी लोग हैं जो कि टेस्ट ही नहीं करा रहे लेकिन बुखार और दीगर लामात के साथ वो अपने आसपास वाले जो डॉक्टर होते हैं जी उनसे इलाज कराते फिर रहे हैं। डेंगू के हवाले से हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम अक्सर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अपने घरों में थोड़ा सा आप आसपास सफाई सुथराई का ख्याल रखें। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और वकास अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, आपकी तरफ मान रही हूँ। डेंगू केसेस सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये डेंगू जो है ये बड़ा पुराना इशू है। आज से मैं 15 साल पहले जो मैं सिटी फट्टू ज्वाइन किया था तो उस वक्त भी डेंगू जोरों पर था और आज भी डेंगू अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा। हुकूमत क्या कर रही है, महकमा हेल्थ क्या कर रहा है, और डेंगू ब्रिगेड भी बनाया गया और महकमा हेल्थ की टीमें भी बनाई गई और दौरे कर रहे हैं और डेंगू के लिए बजट भी महकमा खजाना जारी करता रहता है, लेकिन अभी तक डेंगू जो है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं हो सका, जिसकी वजह से डेंगू के पेशेंट जो ये रजिस्टर्ड पेशेंट आपने बयान किए हैं कि 42 पंजाब में आए हैं, जो ये टीचिंग अस्पतालों का डाटा है और जो सरकारी अस्पतालों का डाटा है, जो अस्पतालों में आए प्राइवेट अस्पतालों में जिन्होंने टेस्ट कराया या जिन्होंने प्राइवेट लैब से जिन्होंने अपने टेस्ट कराया वो इससे तादाद कहीं ज़्यादा है, लेकिन रिपोर्ट कम हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि अब इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म जो है ना पॉलिसी जो है ना अपनानी चाहिए डेंगू के लिए। अब डेंगू को काफ़ी पुराना इशू हो गया, इसको हल करना चाहिए और इसके लिए इकदाम करने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक मरियम नवाज जो है उन्होंने डेंगू के वाले से एक भी मीटिंग नहीं की। मैंने तो नहीं देखी, ना TV पर उनकी मीटिंग देखी है, ना अखबार में कोई उनकी मीटिंग देखी है, और महकमा हेल्थ या उनके भी डेंगू के वाले से कोई इकदाम ज़्यादा नहीं देखे। टायरों की शॉप देखे या घरों में पानी जहाँ खड़ा होता है या वाटर कूलर जहाँ एयर कूलर जहाँ लगे हुए वहाँ पानी या लोग घरों के बाहर जो गाड़ियों में दो रहे हैं, कब्रस्तानों में डेंगू के जो पिछले सालों में जो इकदाम किए जाते थे वो इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। जिस तरह माजी में हमने सर्वेलेंस देखी वो नहीं हो पा रही, विकास अग्री करेंगे? किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक ही पेज पे दो खबरें हैं जो आपने टिक मार्क की हुई हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये हमारी ना तो शायद तरजीहात में शामिल है। जैसे पोलियो बदकिस्मती से हम दो ही मुल्क रह गए हैं जहाँ से हम ख़त्म नहीं हो सके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। श्रीलंका में भी डेंगू बहुत ज़्यादा था, हमने उनसे सीखा, उनके एक्सपर्ट्स भी आए थे, अगर श्रीलंका वाले जो हैं वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वाइपआउट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, सवाल यही आता है। आप कह रहे हैं सर्विलेंस ठीक नहीं होती, भाई सर्विलेंस तो ये सीजनल होती है इनकी मीडिया कंपेन ना, बेसिकली 5-6 लोग जा रहे हैं, जा के एक टब में पानी निकाल रहे हैं, कुछ जैसे खोकर साहब ने कहा ना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब ये है कि यार ये सीज़न गुजर जाए किसी तरह से, हमें हम हो जाए कि हमने बहुत कुछ किया है। भाई अगर आप बहुत भी काम कर रहे हैं तो उसकी आउटकम अगर नहीं है, इसका मतलब है कि आपका काम या तो सही तरीके से हो नहीं पा रहा या फिर आप कर नहीं पा रहे, तो गवर्नमेंट को भी ये सोच बदलनी चाहिए कि यार हमने वो काम करना है जिसका आउटकम बेहतर आए। मतलब हर साल तो ऐसा नहीं है ना कि अभी भी सीज़न गुजर गया, ये खबरों में हम ऐसे ही लोग इतने आ गए, इतने केसेस आ गए, इतने लोगों के खिलाफ FIR कर दी, एट द एंड यही होगा कि अगले साल जब नया सीज़न आएगा तो फिर भी यही प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि कहाँ पर वो आम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। सर्विलेंस ठीक है होनी चाहिए, जो हैबिचुअल हैं लोग उनका भी करना चाहिए, लेकिन अब जितनी बारिशें हुई हैं सड़कों से निकास नहीं हो पा रहा, तो हमारा कौन सा भी आइडियल कंस्ट्रक्शन है लाहौर शहर की, तो वे आउट गवर्नमेंट को निकालना है ना, जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, जिनको सरकार इसलिए पैसे देती है कि उन्होंने बैठ के सोचना है और वो हल सोचने हैं जो एग्जीक्यूटेबल है आम बंदे के लिए। ये तो नहीं है ना कि हम कह दें कि अपनी छत जो है ना उसको सारा फ्लैट कर दें, सारा सामान आप उठा के बाहर निकाल दें, मतलब वो रियलिस्टिक अप्रोचेज है नहीं है। बिल्कुल, ये
ऐसे ही है बस, ये खबर आज की है, एक दिन की काविश में नहीं होगी इसका। ये काम वो है कि जिसको आपको मुसलसल करते रहना है, वो चाहे हुकूमती सतह पर हो, सरकारी सतह पर हो, या फिर हमें अपने इंडिविजुअल सतह पर हो, हमें ये सब तावन करना है, तभी डेंगू का खात्मा होगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि डेंगू बुखार वाले घर में इलाज ना करते रहें, इसकी कंडीशंस होती हैं, इसकी स्टेजेस होती हैं, ख़तरनाक स्टेज अगर हो तो भी मरीज़ का बचना भी मुश्किल होता है। और अगर डेंगू पेशेंट वैसे भी जो मुतासर होते हैं बाद में भी वो सफ़र करते हैं, मुसलसल वीकनेस, कमर में दर्द, इसलिए अच्छे डॉक्टर से प्लीज़ रिजू करें। कास अहमद, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगी। मज़ीद 4 नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान पोलियो से फ्री कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे कल ही प्रोग्राम के दौरान आबिद चौधरी ने खबर दी थी कि पोलियो टीम के ऊपर तशद्दुद किया और खातून को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना एक खातून ने बनाया, वो घर आपकी टीम आई पोलियो के कतरे पिलाने के लिए और बुरी तरह से, अच्छी खासी वो खातून दिख रही थी जिन्होंने तशद्दुद किया पोलियो टीम पर। एक ये फैक्टर है कि हम पोलियो पर काबू नहीं पा रहे, दूसरा दाखिली खारजी रास्तों पर एंट्री पॉइंट आपके जितने हैं, आपके एयरपोर्ट्स, आपके बस अड्डे, आपके रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी टीमें बिल्कुल नहीं है। जी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी इस मुल्क की 1994 में, जब पाकिस्तान ने जो है वो आलमी मुहिम का हिस्सा बना पोलियो एरेडिकेशन कम्पेन का, इनका तो आसफा भुट्टो छोटी थी तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने कतरे पिलाकर ये पैगाम दिया कि वैक्सीन जो है ये पोलियो की ये महफूज है, बच्चों को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। 30 साल का प्रोग्राम था, आज 30 साल पूरे हो गए हैं। बदकिस्मती से हम दो मुल्क हैं जहाँ पर पोलियो वैक्सीन ख़त्म नहीं हो सका, टोटल फेलियर है स्टेट का। आप 30 साल में अपनी कौम को ये बात नहीं बता सके कि भाई ये आपकी हिफाजत के लिए है। 30 साल पहले जो हम सोचते थे कि लोग जिसका जो जो मैसेज दिया था प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त थी कि ये वैक्सीन के बारे में जो आप सोचते हैं ये सिर्फ मफरूज़े हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पे बेस पे, ऐसा हकीकत में कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ये बच्चों की सेहत के लिए है। और दुनिया में ये साबित हो चुका कि दुनिया में 99% जो पोलियो केसेस थे लोगों ने वो ज़ीरो पे ले आए हैं। तो आज भी हम 30 साल बाद भी उन्हीं इशूज़ को और उन्हीं वजूहत को बयान कर रहे हैं कि जी लोग नहीं मानते, लोगों के आपने बात की कि पोलियो के वर्कर्स पर टॉर्चर किया जाता है, ये लाहौर की बात है। आप उन एरियाज़ की बात करें, उन वो एरियाज़ देखें जहाँ पर लोगों को ना तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, ना जो गवर्नमेंट के कम्पेन्स हैं वो इतनी उन तक पहुँच सकती है, वहाँ पे क्या हाल है। तो 30 साल बाद अगर 30 साल आप एफर्ट मेरे करें, अपने घर कल पोलियो की टीम आई है, मैंने अपने दोनों बच्चों को पोलियो के, हाँ आप समझती हैं ना, लेकिन बात यह ना कि आपकी सोसाइटी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अभी भी ये समझता है कि यार ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं तो पूरी दुनिया परेशान है कि पाकिस्तान में पोलियो वायरस जो है वो पाया जाता है, तो वो बिल गेट भी आकर प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करते हैं कि पोलियो के कतरे वहाँ बच्चों को नहीं पिलाए जा रहे। तो जो फलस्तीन में जो बच्चे शहीद हो रहे हैं जिनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा रहे, वहाँ पर ये दुनिया क्यों खामोश है? वहाँ पर बिल गेट क्यों खामोश है? वहाँ पर यूरोपीय यूनियन क्यों खामोश है? वहाँ पर इस्लामी तंजीमें क्यों खामोश है? वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी कॉन्फ्रेंस कहाँ गई? वहाँ पर सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, ये जो मुल्क जो है ना, ये कोई अमली कदम क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पर बच्चे देखे, वो वहाँ पर बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा रहे, बच्चों को स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में बमबारी की जाती है और वो अस्पताल में बच्चों के ऊपर बमबारी की जाती है, बच्चे अस्पताल में दाखिल हुए थे। कल ही मैं देख रहा था टीवी पर कि एक बच्चा जो है मलबे के नीचे दबा हुआ जिंदा निकल आया, तो ड्रिल मशीन डालकर वो बच्चे को जिंदा निकाला गया और उस पर बमबारी की बच्चे पर। तो वहाँ बच्चे, वहाँ भी तो बच्चे हैं, पाकिस्तान में बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे इनको ज़्यादा नजर आते हैं कि बच्चे यहाँ, वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो ये दोगलापन है दुनिया का, मैं समझता हूँ इस पर भी का एक्शन होना चाहिए और दुनिया का दोगलापन जो है इसको एक्सपोज होना चाहिए, लेकिन ये दोनों इशूज को हम एसोसिएट इस तरह से नहीं कर सकते कि चले अगर कोई तो बच जाए, कोई तो बच जाए। मैं ये कहता हूँ अगर आप 30 साल बाद आज लाहौर में बैठ के हम ये बात कर रहे हैं कि लोग कतरे बच्चों को नहीं पिलाते, तो क्या किया हमने 30 साल? कुछ भी नहीं। हमें हमारे जो 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 ये जो प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, जो फंडिंग को जिनके लोगों के पास आ रही है, उनको अकाउंटेबल करें ना यार। 30 साल में आप, ये पोलियो का वायरस बहुत खतरनाक है, 30 साल बाद, 30 साल में आप एक पॉइंट पर कौम की जहन साजी आप नहीं कर सके,
तो इसका इसके वजह मतलब पता क्या है, हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना स्टेट की, उनमें ये इश्यूज है ही नहीं है कि हमने लोगों अपनी आवाम का तहफ़ करना है। ठीक है, अब लाहौर की, अब क्योंकि ये इसके जो ट्रांसमिशन होती है वो डिफरेंट वे से होती है, फिर आप ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कहेंगे जी हमने लाहौर को बचा लिया और बाकी आपने कुछ नहीं करना। उसकी वजह ये है कि 1.5 करोड़ की आबादी है, करोड़ों लोगों की फैमिली जो हैं वो अफगानिस्तान भी हैं, वो बलूचिस्तान से केपी से आती हैं, आप रोक तो नहीं सकते ना, या तो आप क्वारंटाइन कर दें अगले 10 साल के लिए कि जो लाहौर आ गया वो लाहौर में रहेगा, जो लाहौर से बाहर है वो बाहर ही रहेगा, फिर तो आप लाहौर को महफूज कर लेंगे। तो ये नेशनल कॉज है, मैं बल्कि कहता हूँ कि नेशनल कॉज या नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से भी बाहर है। ये हमें पता चलता है कि हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के केसेस ख़त्म ना होने की वजह ये भी है कि बहुत सारे केसेस जो रिपोर्ट्स आई उसमें जेनेटिक जो वायरस के उसमें करेक्टरिस्टिक्स आई, पता चला कि ये अफगानिस्तान से ट्रांसमिट हुई हैं। तो हम इस दफ़ा अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि जॉइंटली वहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, अब उनके भी यही प्रॉब्लम है, वो भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है, हम क्यों बच्चों को बुलाएं। भाई मैं कहता हूँ कि अगर अच्छा वकास, वैसे ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊँ, इशू मुझे भी समझ नहीं आता क्या है, मतलब बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, डेटा इनके पास सारा मौजूद है, हमारे अपने घर में 3-3 दफ़ा टीम आती है, एक दफ़ा इशू काउंटर चेक टीम आती है, बच्चों को कतरे पिला भी नहीं, फिर आते हैं। आप जी जो फैमिली आगे से रेजिस्ट करती है ना, उसकी बैकग्राउंड चेक करें, वो फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, उसकी जो मालूमाती आम है वो कितनी है, वो नहीं है ना। और फिर आपने कहा कि बड़ी अच्छी मुहिम चलती है, आज 30 साल बाद पाकिस्तान ये मान रहा है कि हाँ हमें जो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट की थी पोलियो एडिकेशन के हवाले से, हम वो मुहिम नहीं चला सके 30 साल कम्प्रिहेंसिवली। उसकी रीज़न ये है कि हमें मुहिम तो यहाँ पर नज़र आती है ना, जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, हमारे जो ज़्यादा केसेज आते हैं वो आते हैं बलूचिस्तान से, कराची वाले तो हॉटस्पॉट है, कराची, अब लाहौर की बात कर रहे हैं, कराची एक हॉटस्पॉट है, हम वहाँ पे नहीं लोगों को कायल कर सके। अच्छा, एक ये इशू है कि हम लोगों को ये कायल नहीं कर सकते, वैक्सीनेशन पहुँच नहीं पाती। अभी मैं पढ़ रहा था जो हमारे पोलियो को पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर हम 90% भी जो मुहिम है पोलियो वैक्सीनेशन की कंपेन है वो अगर हम एग्जीक्यूट कर दें तो पाकिस्तान में 2-3 साल में 0 भी आ जाते हैं। इसका मतलब है कि 90% भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2013 में दुनिया में ये बैठे वो जो फाउंडेशन जो हमें सपोर्ट करती थी, उन्होंने सोचा यार कि चले ऐसा कर लें कि जो आपके ज़्यादा हॉटस्पॉट्स हैं जिसमें कराची आता है, बलोचिस्तान कुछ रहते हैं, केपी के हैं, यहाँ पर आप साल में 2 दफ़ा कंपेन कर लें, यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर लें, तो हम भी वहाँ पर भी नहीं कर पा रहे जी। ठीक है, तो ये दोबारा से मेरा ख्याल है कि बैठ के ये अब नहीं सोचना चाहिए कि हमें 30 साल और कंपेन चलानी है, अब हमें 2-3 साल का प्रोग्राम रखना चाहिए। और ये नहीं, अब वक्त नहीं है इंतज़ार करने का। मैं यहाँ पर लोगों को प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगी, हम आपके सामने मिसाले बैठे हैं, हमने अपने बचपन में पोलियो के कतरे पिए हैं, कुछ भी नहीं हुआ हमें, हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज़ अपने जहन से ये बात निकाल दें, ये 2 कतरे पोलियो के बहुत सेफ हैं, आपके बच्चों की ज़िंदगी का तहफ़ यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। जो टीमें आती हैं अगर कहीं पे नहीं पहुंच पाती तो अपने करीबी हॉस्पिटल्स में जाके बच्चों को। और एक और मज़ेदार बात पता क्या है, पोलियो जो पोलियो वायरस है इसके फैलाव में गंदगी जो है ये भी एक फैक्टर है, बिल्कुल सफाई सुथराई ना होने। और ये देखें अगर हम कहते हैं कि हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना है, तो इस्लाम कहता है कि आपके ईमान का 50% सफाई है, वही ना यार, एक काम ही कर लें, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है, बहुत सारी बीमारियों से। खैर ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हमेशा इस चीज को कहा जाता है, ये मिथ है, ये बातें बनाई जाती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन शहरी हमेशा ये गिला करते हैं कि जानबूझ के चालान ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से किए जाते हैं, दूसरी तरफ से अगर मौके जाने तो कहते हैं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। वकास, कहाँ से खबर आ जाती है कि ट्रैफिक वार्डन्स को 25 चालान का हदफ अच्छा मिल गया? इस खबर पर कालना बड़ा प्रेशर भी हुआ और बड़ा उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया। इशू ये नहीं है कि आप 25 चालान करते हैं, 20 चालान करते हैं, इशू ये है कि आप किस मूड पे चल रहे हैं। तो हम जुगाड़ मूड पे, डंग टपाओ मूड पे चल रहे हैं। आप किस दिन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब आते हैं, उनसे पूछेगा कि आप 5 साल बाद सिटी ट्रैफिक लाहौर को कहाँ देखती हैं,
उनके पास कोई मेरे से तो पहले ही वो नाराज है। नहीं, कहीं कोई विजन नहीं है किसी के पास भी। जो जो सीटीओ लाहौर आज कर रही है, ये 2013 का जो सीटीओ था वो भी यही कुछ वही साहब करते थे या करती थी। तो आज 2024 में भी सेम टू सेम हो रहा है। अभी ये खबर आई थी, प्रेस रिलीज आई थी कि हमने माल रोड पे मॉडल शराहों पे लोडर रिक्शों का बंद कर दिया दाखिला। यार ये इंतहाई डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब आप रात को उठते हैं और कहते हैं कि फलाना बंदा फलानी जगह पे नहीं आ सकता। क्या ये स्टेट जो है सिर्फ बड़ी गाड़ियों वालों के लिए है? अगर इस मुल्क में लोडर रिक्शा मैन्युफैक्चर करना लीगल है, कानूनी है, और उनको आप अपने ऑफिस में बिठा के मैन्युफैक्चरर को चाय भी पिलाते हैं, उनसे आप स्पॉन्सर भी लेते हैं, तो जो वो इस्तेमाल कर रहा है उसको कहते हैं कि आप कल नहीं यहाँ पे आ सकते। किस पॉलिसी के तहत, किस पॉलिसी के तहत आप करते हैं जी आप मोटरसाइकिल वहाँ पे नहीं आ सकता, ये यहाँ पे नहीं आ सकता? मैं अक्सर भी आपसे कहता हूँ, तो मेरे साथ अब अक्सर जामर भाई बैठे होते हैं, वो इस चीज़ से एतराज़ करते हैं। जो शादरा से उठ के बंदा आ रहा है ना कल, उसको क्या पता कि माल रोड पर सुबह क्या नया इंटेलेक्चुअलिटी वहाँ पर शो हो जानी है? नहीं आनी ना। आपकी पॉलिसीज़ का तसलसल ये है ट्रैफिक के हवाले से कि आप एक हफ्ता नहीं निकाल दे, चीज़ें चेंज कर देते हैं। फिलहाल अभी तक तो मैंने जितनी पॉलिसीज भी देखी है ना माजरत के साथ, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टारगेट नहीं लगाते। ये तो एक बड़ा जुल्म वाला काम है कि ट्रैफिक वार्डन को टारगेट दे दिया कि 25 चलान जाना करे। इसका मतलब है हर ट्रैफिक वार्डन जो पर्ची पकड़ कर वो अपनी आइदर हो कार बाई क्रुक जो है ना अपना टारगेट पूरा करने में लगेगा, ना कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। बल्कि ट्रैफिक वार्डन को ये टारगेट देना चाहिए कि जिस इलाके में ट्रैफिक जाम हो, जिस ट्रैफिक जो है ना वो सुस्त रवि का शिकार हो, उसमें ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस वजह से कि उसने चलान नहीं किए। चलान करना कोई अच्छी बात नहीं है, लोगों के चलान करना, पहले इतनी महंगाई है, इतने टैक्सेस है, अब चलान करके लोगों से पैसे थाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और सीटीओ को ये अपना कानून जो है ना तब्दील करना चाहिए, इस वाले से टारगेट जो है वो तब्दील करना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, और जो ट्रैफिक वार्डन है उनको चाहिए कि वो आगाही मुहिम शुरू करें, ताकि लेन और लाइन की जो है ना पासदारी जो पाबंदी करने के वाले से जो आगाही मुहिम दे, और वहाँ पर लोगों को रोके, रोकर बताए भाई आपने लेन की फासले की, जिस वजह से अब देखिए एक जगह ट्रैफिक जाम होती है तो इधर से गाड़ियां जो आकर वो सारी ट्रैफिक जाम कर देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, और वनवे की खिलाफवर्जी करना शुरू कर देते हैं, जो ये नहीं होना चाहिए, उनको आगाही देनी चाहिए। तीन दिन ये दफ्तर वाला इशारा चल रहा होता, तीन दिन नहीं चल रहा होता। बताता हूं मैडम, मैं पहले तो आपको ये समझना है कि ट्रैफिक जैम जो है ना पीक आवर्स में पूरी दुनिया में होती है। उस पीक आवर्स में गुजारिश ये है मैनेजमेंट तभी हो सकती है जब एक बाइक वाला, एक रिक्शे वाला और एक बड़ी गाड़ी वाले को आप इक्वली ट्रीट करेंगे। जब आप बाइक वाले को, रिक्शे वाले को, छोटी गाड़ी वाले को अछूत समझते हैं ना, और पीछे V8 वाले को कहते हैं कि इसको गुजारना है किसी तरह से, तो फिर ये ऐसा ही होगा। हाल ये है, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने तुर्की से एक्सपर्ट्स को बुलाया कि जी हमारे लाहौर की ट्रैफिक ठीक कर दें। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उनमें एक ये भी था कि आप सिलेबस का हिस्सा बनाएं। पूरी दुनिया में आप ट्रैफिक जो ट्रैफिक के हवाले से सिलेबस का हिस्सा है। तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुझे किसी ने बताया कि सिलेबस बना हुआ है, इवन ये भी बना हुआ है कि कौन सी क्लास में कौन सा हमने सेगमेंट जो है ट्रैफिक लॉज के या इम्प्लीमेंट के हवाले से वो पढ़ाना है। तो पिछले 5-7 साल से 8 साल से वो सिटी ऑफिस में पड़ा हुआ है, ना गवर्नमेंट की चाह रही है ये एक हो, ना ट्रैफिक वाले चाह रहे होते हैं कि वो कहीं बच्चों को समझ आ जाएगी, ताकि वो जब बाइक लेके निकलेंगे तो उन्हें एटलीस्ट उनमें ये उनकी जेन साजी हो चुकी होगी कि अगर सिग्नल बंद है तो हमें रुकना है। ठीक है, आप अमी फुकर साहब ये बात कर रहे थे अभी, जितना आपका गरीब तबका है आप सुबह उठते हैं उनको लूटना शुरू करते हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है, बाइक वाले को आप 2000, रिक्शे वाले को आप, और जा रहा है दुकान पे जा रहा है। प्रॉब्लम ये है, अभी ये जो खबर जिस हवाले से हमने बात कर रहे थे, शहर के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर वायलेशन नहीं है, मसलन कैंट्री एरिया में उनका डायनेमिक्स ट्रैफिक के डिफरेंट है, वहाँ पर नहीं है, वो ज़्यादा वो भी परेशान होते हैं यार हमें कुछ किसी ऐसा पॉइंट हमें दे दें फिर कि हम भी खड़े हो के आप देखते हैं ना दुनिया वायलेशन जो लाहौर में ऐसी होती है कि अगर 50 बंदे आ रहे हैं तो 50 ही वायलेशन कर रहे हैं। ऐसे लगा होता है कि वार्डन साहब पिकट लगा के खड़े हैं और बस उन्होंने अपना चलान पूरा करना है और उसके बाद
एक प्रपोजल वैसे एक बड़े ऑफिसर्स हैं उनके जहन में ही है, उस पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ट्रैफिक वार्डन से ये चलान जो है ना अथॉरिटी ये ले ली जाए। ठीक है कि ट्रैफिक वार्डन चलान ना करे, चलान आप सेफ सिटी से करें। ट्रैफिक वार्डन जो है वो सिर्फ जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। एक किसी ने ये किसी के जहन में ये आइडिया पंप है और उस पर वो काम कर रहा है, अल्लाह करे वो कुछ हो रहा है ऐसा, लेकिन इशू सब पीछे ये है, इसका हल है, इसका हल ये है कि आप एक खिदमती अदारा है जिन्होंने लोगों की खिदमत करनी है, आपको कोई रेवेन्यू कलेक्शन अदारा नहीं है। आप फख्र से ये कहते हैं कि हमने इस साल जो हमारा रेवेन्यू था वो 5 अरब था जी, उसमें इतना हमारा हिस्सा है, इतना पंजाब पुलिस के चला जाता है, CPO चला जाता है, इससे हम ये करते हैं, इससे हम वो करते हैं। भाई क्या करते हैं भाई, आपको FBR के थोड़े हैं कि आपने लोगों को चलान करके बस पैसे निकालने हैं, आपने उन लोगों को भी सोचना है ना यार। ऐसे ही मतलब मैं ये कहता हूँ, मैं जब पहली दफ़ा लाहौर आया मेरा माल रोड पे चलान हो गया, मुझे पता ही नहीं था। सही कह रहे, ठीक है। तो जब आपके लिए माल रोड के हवाले से तो हर बंदा ये कहता है कि वहाँ पर जाने की दिले, खास तौर पे बाइक, इब्रारो राक ने भी गाना उधर ही गाया था, हाँ। जाना मानो माल तो उसकी आप अहमियत समझ लें, उसकी आप अहमियत समझ लें। मैं आपको ये सच कह रहा हूँ, आप खुदा के लिए ये समझें, इस शहर की जो आबादी है वो 2-1.5 करोड़ है, इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि डिफेंस में राया भी है, ठीक है। वो बेचारा अगर साल बाद या 6 महीने बाद लोग कहीं आते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए, उनको पता ही नहीं है, एक बाइक पे एक फैमिली बैठी होती है, उसको कहते हैं भाईजन वो 1000 का बजट लेके आता है, 2000 का चलान हो जाता है, सही बात जी, आप लाइन लेन पे नहीं आ रहे, आपने जो ज़ेबा क्रॉसिंग क्रॉस कर ली यार उन्होंने नहीं पता। और वो जो माल रोड पर आपने प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक रुकी होती है उसका तो कोई इशू नहीं है, वो तो कोई मैंने 2015 में एक CPO साहब से कहा, मैंने कहा यार आप देखें जब भी आप कोई तकरीब मुनक्किद करते हैं, रंग रोगन करते हैं तो कुछ पैसे लगाते हैं, कोई स्पॉन्सर ढूंढते हैं या अपने पैसे लगाते हैं, तो अगर आप यही काम मतलब आप शाहदरा से एक दफ़ा कर लें यार, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ना वहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। एक दिन आप ठोकर वाले चले जाएं, मतलब आप नहीं वहाँ चला, आप डिस्क्रिमिनेशन देखें ना जी, चिंगची रिक्शे वाला जो है जी वो दादा दरबार से आगे नहीं आ सकता, ठीक है जी, फलाना बंदा माल रोड पे नहीं आ सकता, इसका मतलब है कि आपके लिए लाहौर जो है या लाहौर के शहरी जी, ये खतरनाक ड्राइव है, खतरनाक व्हीकल है, तो ये खबरदार अगर किसी साहब की गाड़ी को हिट हो गया तो जो बत्ती चौक में जो रावी रोड पे लोग रह रहे हैं, जो चिंगची पे सफर करते हैं, वो इंसान नहीं है, वो लाहौरी नहीं है। विकास मुझे काफी देर से ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद अगली खबर पे आएंगे, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे पास खबर है जी, गवर्नर हाउस में स्कूल के 2000 तलबा को रोज़ाना खाना खिलाया जाएगा, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये जी। चेयरमैन एप्टिमा ने गवर्नर हाउस में स्टाफ जो है उनको 6 लोग जो है उनको उम्रे के टिकट देने का ऐलान भी किया है, और गौहर एजाज साहब जो कि हमेशा हम देखते हैं कि इस तरह के कामों में पेश होते हैं, अब रोज़ाना की बुनियाद पर गवर्नर हाउस में भी तलबा को वो खाना फ्री खिलाएंगे। जी बिल्कुल, इस वाले से जो साबिक फाकी वजीर गौहर एजाज साहब हैं उन्होंने गवर्नर हाउस के 2000 तलबा को रोज़ाना खाना खिलाने का ऐलान किया है, और अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब हुई है जिसमें अरशद नदीम जो है उनको 15 करोड़ रुपये का चेक दिया गया है, और एप्टिमा के पैटर्न चीफ का गवर्नर हाउस के स्टाफ के लिए 6 उम्रा टिकट का ऐलान किया गया है, और पिंडी गेप जो है अटक में जदीद डल से सेंटर भी बनाया जाएगा, ये भी ऐलान किया गया है। जबकि गवर्नर जो पंजाब है उन्होंने ऐलान किया है कि जो गरीब बिजली के बिलों की वजह से मुश्किल के शिकार है IBP जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अलम बुलंद करेंगे, ये गवर्नर पंजाब ने ऐलान किया है। लेकिन ये सारे जो गवर्नर साहब ने कहा है बिजली के बिलों के हवाले से, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी तक कोई भी हुकूमती अहदेदार सोशल मीडिया पर जो कहराम मचा हुआ है बिजली के बिलों के हवाले से, लेकिन ना गवर्नर ने कोई अभी तक इस हवाले से इकदाम किया है, ना इस हवाले से वज़ीर आला ने कोई इकदाम किया है, ना वज़ीर आज़म ने कुछ काम किया है। सिर्फ 2 महीने के लिए जो बिजली का 14 रुपये का जो यूनिट है वो रिलीफ दिया आवाम को, और वो भी कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला, लोग रो रहे हैं, लोगों को बिलों के बिल में नहीं हुआ। लेकिन फाकी हुकूमत ने IPPs के साथ जो एग्रीमेंट थे उनको रिव्यू करने के लिए अभी तक बिजली के बिलों के हवाले से कुछ भी नहीं किया, और ना उनके वाले से IPPs के वाले से प्राइम मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी बनाई है। प्राइम मिनिस्टर ये तो कहते हैं कि पेंशन जो है ना वो बोझ है,
तनख्वाह जो है बोझ है, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में इजाफा नहीं होना चाहिए, पेंशन में इजाफा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो IPP जो अरबों रुपये महीने के मुफ्त में ले जाते हैं, बिजली भी नहीं देते और मुफ्त में ले जाते हैं, वो उनका प्राइम मिनिस्टर ने कभी बात नहीं की, ना फाकी हुकूमत ने कभी कोई बात किया और ना उस वाले से कोई IPPs के वाले से कोई बात हुई है। लेकिन ये IPPs के वाले से भी बात होनी चाहिए, अगर बिजली के बिलों के वाले से बात होती है तो IPPs के साथ आके जो डायग्नोज किया जा सके इशू को, वो वहाँ से IPPs का इशू है वहाँ से पकड़ा जा सके, ताकि वहाँ से बिजली अगर सस्ती होगी तो सार्फ को आगे लॉन्ग टर्म बिजली सस्ती मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। 2000 तलबा अगर रोजाना खाना, बहुत अच्छी बात है। बल्कि इसमें एक मेरे जहन में भी एक आइडिया आ रहा था, देखिए अब अरशद शरीफ को सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, सबकी ख्वाहिश है कि वो वोट तो कुछ दे दें, तो अगर इसी तरह से जो हमारे जिनको अल्लाह पाक ने माली और वसाइल दिए हुए हैं और ताकत भी दी हुई है, वो समझें कि जो पाकिस्तान के या सूबे के या शहर के मसाइल हैं ना, वो भी अरशद शरीफ ही हैं, तो अगर थोड़ा थोड़ा भी अरशद शरीफ जैसे ट्रीट कर रहे हैं, अरशद नदीम सॉरी, तो अरशद नदीम ही समझे उन्हें, तो मेरा ख्याल है कि सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। गौहर साहब के जो जो इस तरह के काम है, जिना हॉस्पिटल आपके सामने अडॉप्ट किया हुआ है ना, मतलब मैं कहता हूँ न्यू अस्पताल में भी गोरजा सब मरीजों को खाना देते हैं। मैं न्यू अस्पताल में देखा कि उनकी जो वो रेडियां जो थी जिसके ऊपर शेख हिजाज ट्रस्ट लिखा हुआ था, वो जा रही थी और मरीजों को मुफ्त खाना दे रही थी। न्यू अस्पताल की बात भी है, ये जिना अस्पताल अकेला नहीं है, न्यू अस्पताल में मुफ्त खाना मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो देखें सोशल वर्क में पहले भी हमने एक बार ये डिस्कस किया था कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि जी हम पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ करते हैं, ये हकीकत है हम करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सोचना ये है कि हम वो चैरिटीज़ का पैसा कहाँ लगा रहे हैं। ये भी तो एक आइडिया था ना, तो उन्होंने कहा यार हम खाना भी खिलाना है लोगों को, वैसे भी अंडर टेबल देने हैं, तो एक सेंटर बना देते हैं जहाँ पे लोगों का इलाज हो जाए। अब आपके पास जहाँ हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है स्टेट ऑफ द आर्ट, किसी को कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, एक ऑटोमेशन पे सिस्टम चल रहा है, लोग आ रहे हैं और अपने इलाज करवा के जा रहे हैं। तो आप जितने भी लोग चैरिटीज़ करते हैं, ये सिर्फ वो सेक्टर्स मार्क कर लें, एरियाज़ मार्क कर लें यार कि ये स्पॉट है, मतलब एक अगर गवर्नर साहब अपने इलाके में समझ जाएंगे यार हमारे लोगों का एक बेसिक इशू है, तो वो अगर ये भी तो ज़ाहिर बात इतने बड़े होते पे कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना दें, ठीक है, एक हॉस्पिटल अगर है तो उसको अपग्रेड कर दें, एक टाइम फ्रेम के लिए उसका कोई एक डिपार्टमेंट कर लें। मैं तो कहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है ना कि जी प्राइवेटाइज़ कर दें, तो यार इतने मुखियर हजरात हैं हमारे पास जो काम करना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, कामयाब एंटरप्रेन्योर बिजनेस मैन हैं, यार उनकी एक्सपर्टीज़ ले लें, उनको कहें यार कि हमें ये डिपार्टमेंट जो है ना ये 10 महीने साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम रन करके देख लें, तो मुतबादल सोचेंगे तो आपको अच्छाई भी नज़र आती है। इन 2000 में से अगर आप 2-4 बच्चों को भी अगर आप सिस्टम में ले आए एक पढ़े लिखे नौजवान के तौर पर, तो आप कामयाब हैं। ठीक है, यही आपके स्टेट की इन्वेस्टमेंट है। वो 2000 बच्चा भी अगर उससे निकलता है तो वो 200 फैमिलीज और वो आगे कितनों की इंस्पायरेशन बनता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहना बाकी भी मुखैर हजरात जो चोरी छुपे करते हैं, मुखैर हजरात के साथ हम ज़रूर ये चाहते हैं कि हमारी सरकारी सतह पर भी स्टूडेंट्स की ऐसी हेल्प होनी चाहिए उन लोगों की जो के कुछ कर सकते हैं आगे बढ़कर। मैंने तो वो कहा ना कि जितने आप हमने जो साहिब तो मुल्क नहीं चला, साहिब इस्तात लोग हैं, साहिब इस्तात हैं जो पावरफुल हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने अपने सरकार नहीं करेगी तो कुछ सरकार भी तो ने तो मुल्क नहीं चलाना ना वकास। मजेदार बात बता क्या, वैसे गोहर साहब इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे निगरान केयर टेकर सेटअप में, तो तब भी उन्होंने थोड़ी सी आवाज़ उठाई IPPs के खिलाफ, फिर जब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ तो फिर भी उन्होंने आवाज़ उठाई, तो कितना वावेला हुआ IPPC सेक्टर। लेकिन पिछले दिनों खबर थी कि कायमा कमेटी सेनेट की को रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है IPPs के। तो बेसिकली अब इस मुल्क के इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो ये होना चाहिए ना कि वो कौन सा रस्तू था जिसने ये एग्रीमेंट जो थे वो लिखे, जिसने हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त को या जो भी कंसर्न थे उनको ये कायल किया कि यार ये हमें अपना मुल्क गिरवी रख के ना तो ये हमने बिजली इनसे लेनी है, यार उसको तो कम अज़ कम कौम के सामने ले आए। तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि जो लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ भी अगर उठाएं ना, अगर गोहर साहब ने अपने प्लेटफॉर्म एप्टमा के ज़रिए ये थोड़ी सी आवाज़ उठाई ना,
तो पब्लिक को भी एहसास हुआ कि असल में इश्यूज ये हैं हमारे, तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हुआ। तो बाकी भी अगर लोग जो है वो इसको अगर आप मिसाल बनाए तो आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद। शहर के दाखिल और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी सख्त करने का फैसला किया गया है। हादसात के सदबाब और महफूज सफर के लिए ये इकदामात किए जा रहे हैं। कैसर खोखर साहब जी, बिल्कुल, शहर में सिलेंडर वाली गाड़ियां जो है उनका दाखिला महदूद किया जा रहा है और नाकों पर जो चेकिंग है वो शुरू कर दी गई है। ये हरबंसपुरा, गज्जुमता, सूए आसल, भट्टा चौक, रावी पुल, सगियाँ पुल, ठोकर न्याज बेग और बाबू साबू अड्डा प्लाट, नवाज शरीफ इंटरचेंज पर नफरी जो है तैनात की गई है और रक्षों वैगनों से जो एलपीजी से गैस सिलेंडर उतरवा दिए जाएंगे। ये बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल का दाखिला भी बंद किया जाएगा और इस वाले से ये सीटीओ जो लाहौर है उन्होंने इकदाम किए हैं कि जो इस वाले से कि जो शहर में सिलेंडर वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका दाखिला भी महदूद किया जाएगा ताकि शहर में जो हादसा होते हैं वो रोके जा सकें, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर किया जा सके। और जो खबरें अच्छी पड़ी, और आपको बताऊँ कि मोटरसाइकिल पर जो हेलमेट का इस्तेमाल लगाया है ये बहुत अच्छा कदम है। इससे बहुत सारे जो न्यूरो के जो पेशेंट हादसा होते थे और सर में चोट लगती थी और वो न्यूरो के जो पेशेंट फिर डेथ होती थी वो डेथ रेट जो है ना वो कम हो गया अस्पतालों में और न्यूरो के जो पेशेंट जाते थे सर में चोट लगने के लिए वो कम हो गया। ये हेलमेट का इस्तेमाल बहुत अच्छा कदम है, हेलमेट का इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो अगर उनके जानने वाले को मोटरसाइकिल चलाता है तो उसको चाहिए कि हेलमेट का उसको कहे कि हेलमेट। बेशक, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, खबर भी बहुत अच्छी पड़ी है, आपको हम न्यूज़ में भी शिफ्ट कर सकते हैं। वकास अहमद, मुझे लगता है सीटीओ साहब ने मैसेज किया है कि तो सब ठीक हो जाओ। प्रॉम्प्टर से देख रहे हैं, एंकर खबर पढ़ते हैं ना, अखबार से देख के पढ़ते। आपने कहा, खोखर साहब ने बात की कि हेड इंजरीज के बहुत ज्यादा रेस्क्यू नहीं है, कोई रिपोर्ट जनरेट की कि इसका हाल है। रेस्क्यू के तो आधा शुमार बार बार ये कहते हैं कि हेड इंजरीज उस देखे उसका हल है, उसका हल इन्हीं दारों ने दिया ना कि यार ये एक तरीका है, आप हेलमेट पहन ले तो आप कर सकते हैं। ये जो बात है ना, इसका दाखिला बंद है, इसका दाखिला बंद है, फिर आप ऐसा करें ये वॉल सिटी बनाएं, पास दें जिनको बादशाह सलामत अच्छा, कहा करेंगे। दाखिला बंद करना भी जरूरी है वकास, हमारी कौम बहुत आसानी से मेरी एक गुजारे सुन ले, मैं एक सेकंड आपको इंतहाई इकदाम उठाना पड़ता है। मुझे ये डंडे वाली कौम है मेरी वकास, बात मान ले, गुजारिश है आराम से कहने से। मैडम मेरी बात सुन ले, आपके मैं गुजारिश सुन लूं, इस शहर का निजाम चलाना है, इस शहर का निज़ाम चलाना है ना। निज़ाम कैसे चलता है, मार्केटें खुलती हैं, कारोबार होते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, तो वो जिन्नात तो नहीं कर रहे ना। जब मैंने पिछली बार भी बात की थी तब आप लोगों ने मुझ पर तंज किया था कि जी ये तो एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता ना, आप सब कुछ बंद कर दें। मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ बंद कर दें तो जो निज़ाम चलाना है मुतबादल आपके पास है। एक सवाल मेरा भी सुन, मुतबादल कुछ आपके पास है? ट्रैफिक की कितनी कैंपेन चलाई, लोगों को कहा कि भी आपकी जिंदगी के लिए हेलमेट जरूरी है, आप अभी बाहर चले जाएं किसी ने हेलमेट पहना होगा तो जो मर्जी कहिएगा। फिर आपने कहा पहनते हैं, मैंने सुबह आते किसी को नहीं देखा पहनते, मतलब आप 10 में से 2 को। आप अपने ऑफिस में खड़ी हजार बाइक्स देखें, 800 वो है, 800 लोगों ने है, पहना है तो ये जस्टिफाई है? नहीं, 8 में 10 में से 8 ने पहना है। मैं अगर 20 लोगों को देखती हूँ, 20 में से 4 ने पहना है तो ये ना होने के बराबर है। पहनते हैं, क्या सब लोगों ने हेलमेट पहनते हैं? बिल्कुल, अक्सरियत पहनती है, अक्सरियत पहनती है हेलमेट, कोई नहीं पहनती है। तो फिर रेस्क्यू के लिए क्या काम करना चाहता है? आप पूछिएगा सबसे, ये हल है, मुझे भी बंद कर दें, शहर में ना आने दें, आपको भी आने, आप तो खैर मालिक हैं, आपको तो आने दें, इनको भी ना आने दें, सबको ना आने दें, चिंग ची ना आने दें, मोटरसाइकिल को ना आने दें, पुराने ट्रकों को ना आने दें। भाई शहर किसने चलाना है? लोडर को ना आने दें, लोडर को ना आने दें। आप ये जो आप बात कर रही है ना, ये लोडर को बंद कर दें, छोटी पिकअप बंद कर दें। हल ये भी एक दिन ये बंद किया ना मैडम, एक दिन बंद किया, हेडलाइंस के बाद एक दिन बंद किया ना, आपने चाय भी नहीं पीनी आपके पास। नाज़रीन, हम बचपन से ही कुछ चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और जब भी सेहत और तंदुरुस्ती की बात आती है तो हम समझते हैं कि हमने अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खाना खाना है और तंदुरुस्त रहना है। सो हमें लगता है कि हमारा जिस्म अच्छा होगा, सेहतमंद होगा तो हम तंदुरुस्ती की तरफ जाएंगे। बहुत ही अहम हिस्सा जो हमारी बॉडी का है वो है हमारा दिमाग।
अगर दिमाग सही काम कर रहा है तो आप चाहे स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे अपने ऑफिस में हैं, चाहे अपने कारोबार की किसी भी जगह पर हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आपको मुस्बत वो जो रवैये होते हैं वो रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, तो आप अच्छा प्रेजेंट भी करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी ज़हनी सेहत को, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनको हम छोटी छोटी नज़रअंदाज करते रहते हैं, रात को नींद ना आना, ठीक तरह से ना सो पाना, मुसलसल सर में दर्द रहना, हम समझते हैं शायद दफ्तर से आए हैं, थके हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, दो दिन ऐसा हुआ, तीन दिन ऐसा हुआ, अगर आपको मुसलसल सर में दर्द रह गया है, मिग्रेन है अगर आपको सर में एक साइड पर दर्द हो रही है, क्या वजूहत है इसकी, इसके साथ साथ मतली की कैफियत हो रही है। सो हम पेन किलर लेते रहते हैं और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो बहुत अहम चीज़ें हैं। ये अलार्मिंग कब है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसका इलाज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ बहुत खौफनाक एक चीज़ जो कि है ब्रेन ट्यूमर, इसके इलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, सर्जरी कौन सी स्टेज पर हो सकती है, माहिरीन क्या रिकमेंड करते हैं, इस पर भी बात होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रैफिक हादसात इतने ज़्यादा होते हैं, सो ऐसे में क्योंकि बाइक वाले लोग, अभी हमारी न्यूज़ पार्ट में भी बहस हो रही थी कि बहुत कम लोग हैं जो कि हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हेड इंजरीज हो जाती हैं, और अल्लाह ताला रहम करे, इतने इतने बुरे रोड एक्सीडेंट मैंने देखे हैं कि उसमें नज़र आ रहा होता है कि ज़िंदगी बच जाना बहुत मुश्किल है। सो ऐसे में जब एक्सीडेंट होकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको भी एक दफ़ा देख के परेशानी हो रही होती है कि इसका इलाज कैसे करना है। सो हेड इंजरीज़ का क्या इलाज है, पंजाब न्यूरो इंस्टीट्यूट जो है वो किस तरह से सहूलियात फराहम कर रहा है, कुछ उसके बारे में भी बात होगी। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल माजिद हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरो सर्जन हैं और साथ साथ डिपार्टमेंट के हेड भी हैं न्यूरो सर्जरी के। अपने मेहमान को अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी आपने मुझे बुलाया इन बातों के लिए, ख़ास तौर पर आवाम को आगाही देने के लिए कि हमने अपने जिस्म का और अपने दिमाग का और अपने स्पाइन का ख्याल कैसे करना है। डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी यहाँ पर हाजिर हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर साहब छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाते हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं और समटाइम वो अलार्मिंग होती हैं और वर्स्ट हो जाती हैं हमारे नज़रअंदाज करने की वजह से ही। सर दर्द नॉर्मल कब है और अलार्मिंग कब है? नॉर्मल सर दर्द में 13 टाइप हैं जी, अगर हम इन 13 को डिस्क्राइब करेंगे तो बढ़ जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ इसमें जो सबसे कॉमन है वो मिग्रेन है। चार किस्म के बंदों को मिग्रेन बहुत ज़्यादा होता है। टाइप ए पर्सनैलिटी को, जो टिक के ना बैठे कभी इधर कभी उधर, जिनके अंदर सुकून ना हो, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अच्छा, जो वो लोग जो स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा देर बैठते हों, जो वेल्डिंग का तनूर का काम करते हों, तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि इनको मिग्रेन होगा। और दूसरी जो आपने बताया है अलार्मिंग कब है, अगर एक बंदा सुबह उठे और उठते ही उसको सर में शदीद दर्द हो और साथ ज़ोर से वोमिटिंग आ जाए और ये डेली का रूटीन हो, लेटने से दर्द बढ़ जाए और उठते ही ज़ोर से उल्टी आ जाए, तो ये अलार्मिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ज़ोर से चक्कर भी आ रहे हैं, ये सीधी लाइन पे चल भी नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ़ौरन MRI करवाना चाहिए, फ़ौरन CT स्कैन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो जी नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर इससे हटकर ये चीज़ें महसूस हो रही हैं तो डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको कि नॉर्मल सर दर्द क्या है और फिर आपको अलार्मिंग सिचुएशन क्या है। डॉक्टर साहब ये मिग्रेन का इलाज क्या है, अगर कोई इलाज कराना चाह रहे, पहले हम ये देखें कि मिग्रेन के लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन होते हैं। वो बंदा जिसको ये पता लग जाए मुझे मिग्रेन है, फिर वो उसको होने ना दे, ठीक, ये सबसे कामयाब पेशेंट है, इसको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मिग्रेन के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं ऑरा, ऑरा मीन निशानी। इस पेशेंट को पता लगना शुरू हो जाता है कि मुझे रोशनी के हालो विसराज ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। बाज़ लोग इस तरह कहते हैं कि मुझे होने से पहले मेरा सर भारी होना शुरू हो जाता है। तो जब ये चीज़ हो तो हम उसे कहते हैं कि इसको इसी स्टेज पे ही पकड़ लो। मैं दो गोलियां रिकमेंड किया करता हूँ अनुवा के नाम से, 50 mg की, उसी वक्त पानी में घोले और पी जाए। 5 मिनट के बाद जिस तरह इंजेक्शन का असर होता है उसी तरह असर होगा और मरीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इस स्टेज को बढ़ा दिया तो फिर इसकी आंख कोई भी एक साइड के अंदर से खींचेगी, फिर उसी एक आंख से नज़र आना कम होगा,
फिर इसको चिड़चिड़ापन आएगा, फिर ये कहेगा लाइटें बंद कर दो, मुझे आराम करने दो, मुझसे कोई बात ना करे। तो ये चिड़चिड़ापन जो बढ़ जाता है, इससे बच्चों से भी उस वक्त दिल करता है कि कोई मेरे करीब ना आए। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई एज नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है? 60 ईयर से कम होता है। ठीक है, 60 ईयर के बाद माइग्रेन यूजुअली नहीं होता, क्योंकि ब्रेन सिकुड़ जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम आ जाते हैं ब्रेन ट्यूमर की तरफ। खतरनाक बीमारी है, लोग नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले इसकी अलामत बता दें क्या है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। अल्लाह ने ब्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक टेंट है जो कि हाइंड ब्रेन जिसे कहते हैं, और एक फोर ब्रेन है। हाइंड ब्रेन की मैंने पहले बता दिया कि सुबह उठेगा उसके शदीद सर में दर्द होगा और उठते ही उल्टी आ जाएगी। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन की अलामत है। ठीक है, ये चलेगा तो सीधे स्ट्रेट लाइन पर नहीं चल पाएगा, जिस तरह कैट वॉक होती है उस तरह ये चलेगा। और अगर हम इसको टेंट से ऊपर की बात कर लें तो ये पेशेंट हमारे पास आते हैं फिट्स के साथ, ये बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं, एक साइड कोई इनकी राशे में आ जाती है, ये पेशेंट बैठे बैठे ऊल फूल बकना शुरू हो जाते हैं, लोग कहते हैं इसको जिन चढ़ गया। और ये इस तरह की उनकी अजीब अजीब मिथ होती है। तो असल में ये ब्रेन ट्यूमर जो कि सुप्राटेंटोरियल होता है, दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में होता है, उसकी सबसे पहली निशानी ही फिट्स है। सही, और इससे ये शुरू होता है, जिसको लोग कहते हैं कि ये हाँ दम कराने कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ लोग बहुत सी पता नहीं अजीब अजीब उसके साथ मिथ है, बट सबसे पहले निशानी फिट्स है। जिस्म का कोई हिस्सा या पूरा जिस्म, उसमें गैर मामूली हरकतें शुरू हो जाती हैं, बिहेवियर चेंज शुरू हो जाता है, पेशाब का कंट्रोल ख़राब हो जाता है, याद अभी की बात थोड़ी देर पहले की बात भूल जाती है, पुरानी सारी याद। सब वजूहात इसकी क्या हैं, क्यों होता है? अभी तक की बात करनी है, हमने लोगों को बताना है कि ये चांसेस कम कर सकते हैं आप। मैं मुझसे ये सवाल अक्सर किया जाता है कि ब्रेन ट्यूमर से किस तरह बचा जाता है। सच ये है कि आज तक इसके बारे में कोई भी नहीं पहचान सका। जीन थेरापी, क्रोमोसोम थेरापी, हर चीज़ आ चुकी है, पर इसे पहचान कोई नहीं सका। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सारे लोग मुत्तफिक हैं। ए, जो बंदा अनडू स्ट्रेस ना ले, अपने तकदीर पे जिसको यकीन होगा वो स्ट्रेस नहीं ले। तो आज हर बंदा ले, जो लेगा उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, जिसकी नींद डिस्टर्ब होगी उसकी टाइप ए पर्सनैलिटी आएगी, वो कहीं पे भी नहीं बैठ सकेगा। और इन सारी चीज़ों में आप ये देखिए कि इस पेशेंट को हम कहेंगे कि इसकी वेसल के अंदर खून की सप्लाई हमेशा ज़्यादा चाहिए होती है, ब्रेन ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। सो एज सच तो इसकी वजह कोई नहीं बताएगी, जेनेटिक भी होता है ये? हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, यानी वो लोग जिनको जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है उनको थोड़ा सा केयर करनी है, और कुछ अलामत अगर जाहिर हों तो फौरन डॉक्टर के पास। काबिल इलाज है ये डॉक्टर साहब? मोर देन 95% काबिल इलाज। ठीक है, सिर्फ लोग हमारे पास उस वक्त आते हैं जब स्टेज गुजर चुकी होती है। मोर देन 90% ये काबिल इलाज है। इसका इलाज क्या है, इलाज के मुख्तलिफ मराहिल हम जरूर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो ब्रेन ट्यूमर की अलामत क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका इलाज क्या है। ये बड़ा पेचीदा किस्म का होता है इलाज के मरहले, अगर क्योंकि एक दो लोगों को ऐसे देखा भी। डॉक्टर साहब, लोगों को लगता है बाहर जाएंगे तो बेहतरीन इलाज हो सकेगा, पाकिस्तान में क्या इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है? इस वक्त दुनिया का जो भी बेहतरीन से बेहतरीन इदारा, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन सर्जरी कर रहा है, वो सारी के सारी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज में उसी तरीके से हो रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अमेरिका से बंदे आते हैं हमारे पास सर्जरी करने के लिए, और ये कहते हैं कि जो मशीनरी और जो आपके पास गैजेट्स हैं वो तो हमारे पास भी नहीं, और हमारे बच्चे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। अभी डॉक्टर राबिया मेरी सीनियर रजिस्ट्रार हैं, वो गई हैं अच्छा 3 माह के लिए, तो वो हमारे उनके बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं और हमारे बच्चे उनके पास जा रहे हैं। ये हमारा एक म्यूचुअल आपस में MOU साइन हो चुका है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। सो डॉक्टर साहब, इलाज के मराहिल क्या होते हैं? देखिए,
सबसे पहले डायग्नोसिस है, ठीक है, प्रिसाइज डायग्नोसिस इज द बेस्ट ऑप्शन नंबर वन। एंड नंबर टू, अगर हम पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर हम उसको तीन ऑप्शन देते हैं, ए सर्जरी, बी रेडियोथेरापी, एंड सी इज़ द कीमोथेरापी। जो आजकल की चीज़ें आ गई हैं इसमें साइबर नाइफ का रोल आ गया है, गामा नाइफ का रोल आ गया है, ये जो छोटे ट्यूमर जो इब्तदा में हमारे पास आ जाते हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, बहुत सी फीमेल ऐसी आती हैं जिनको ए मिनोरिया होते हैं, मेंसेस नहीं आते, वो ये समझती हैं कि पता नहीं हमें क्या हो गया, हालांकि छोटा सा ब्रेन ट्यूमर होता है। अच्छा, बहुत छोटा सा। बहुत से मेल ऐसे होते हैं जिनकी नज़र जा रही होती है, छोटा सा ब्रेन ट्यूमर होता है, और हम उसके लिए ब्रेन भी नहीं खोलते, नाक के ज़रिए एंडोस्कोप के साथ ऑपरेट कर लेते हैं। इस वक्त जनरल हॉस्पिटल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज में बेहतरीन किस्म के गैजेट्स मौजूद हैं जिससे हम बग़ैर दिमाग खोले ऑपरेशन कर लेते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो डॉक्टर साहब, कुछ लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते और लास्ट स्टेज पे सर्जरी रिकमेंडेड होती है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है। ठीक है, अगर क्वालिटी को हम बेहतर कर गए तो पेशेंट जितना भी अरसा हम उसके मुकद्दर से, उसके तकदीर से, उसके उम्र से तो नहीं लड़ सकते, बेशक हम उसकी सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। अगर वो हो गई तो इसका मतलब ये है कि जितने भी उसके पास टाइम अल्लाह ने उसको दिया है उस टाइम में वो बेहतरीन अफराद फर्द बन के अपने घर में हेल्प आउट कर सकेगा। डॉक्टर साहब, ब्रेन हैमरेज क्या है? ये वो टॉपिक है जो मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, जिसमें अल्लाह ने मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज दी है। माशाल्लाह। ब्रेन हैमरेज दो किस्म की होती हैं, एक होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, शुगर अनकंट्रोल जा रहा है, तो ये ब्रेन हैमरेज है, और दूसरा ब्रेन हैमरेज होता है जो यंग बंदों में होता है और मिडल एज में होता है, ये इसको हम कहते हैं सब अरकनॉइड हैमरेज। मरीज़ बैठा होगा और बैठे बैठे उसके सर में शदीद किस्म का दर्द होगा, उल्टी आएगी, गिर जाएगा। अच्छा, उसको भी नहीं पता होगा कि मुझे क्या हुआ है, और सिर्फ एक निशानी ऐसी है जिससे हम पहचानते हैं कि इसको क्या हुआ है, उसकी अगर आप गर्दन को ऊपर नीचे करें तो वो स्टिफ हो जाती है, सही, उससे हम पहचानते हैं कि ये सब अरकनॉइड हैमरेज हो चुका है, फिर हम सी टी स्कैन और बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है, मिर्गी क्या है डॉक्टर साहब? इसको एपिलेप्सी कहते हैं, मिर्गी को एपिलेप्सी कहा जाता है। इसकी बहुत सी वजह हैं, जो मोस्ट कॉमन वजह है वो ब्रेन ट्यूमर ही है। अच्छा, वो जो आपने फिट्स का जो मैंने फिट्स कहा था वो मिर्गी है, इसको एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, जब उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए उसे हम फिट्स कहते हैं। ऐसे चलते चलते एक दो दफा देखा कि एक बंदा गिर जाता है, कोई उसको जूता सुंघा रहा है, कोई उसके ऊपर पानी डाल रहा है, कोई पता नहीं अजीब अजीब लोग रामदीस। और अगर मेरी कोई बात इनको समझ आ जाए, अगर किसी को चलते चलते ऐसा हो, इंस्टेड उसके मुंह में पानी डालें, उसको जूता सुंघाएं, सिर्फ उसको सीधी लेटरल साइड पे कर दें, ठीक है, और गर्दन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, मरीज उसी वक्त 3 मिनट में ठीक हो जाएगा, 1 मिनट में। अच्छा, और किसी को कुछ समझ ना आए तो उसको उल्टा लिटा दें ताकि उसके मुँह से झाग बाहर निकल जाए और उसकी जो जबान दांतों के अंदर आ रही है वो पीछे चली जाए। सही, क्योंकि फौरी तौर पर आपको पता नहीं चल रहा होता ना, देखने वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, सो डॉक्टर साहब ने वो भी बता दिया। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक कवानीन की लोग पाबंदी नहीं करते और हर रोज़ ट्रैफिक हादसा की एक लिस्ट हमारे पास आती है जिसमें हेड इंजरीज सरे फहरिस्त होती हैं। हम इस पर बात करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हेड इंजरीज अल्लाह माफ़ी दे बहुत बुरे, एक दफ़ा जनरल हॉस्पिटल में जाना भी हुआ, सो मैंने एक मरीज़ को इतनी खौफनाक हालत में देखा। आप लोगों की हिम्मत की हिम्मत है कि आप इस तरह के मरीज़ को फौरी तौर पर देखते भी हैं और फौरी इलाज डिसाइड भी कर लेते हैं? कितने पेशेंट आते हैं और कैसे इलाज करते हैं? सबसे वर्स इस दौर का जो हेड इंजरी पेशेंट है ना, वो हेड इंजर्ड पेशेंट है, वो बाइक इंजरी है, ये हेलमेट नहीं पहनते और मेरे इसके ऊपर 2 पेपर भी छप चुके हैं, ये हेलमेट बिल्कुल नहीं पहनते और इतने बुरे तरीके से गिरते हैं। वालदैन का अकलौता बेटा होता है, बहनों का अकलौता भाई होता है, और वो जब हमारे पास आता है तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते। तो
मैं ये कहूँगा हेड इंजरी इस मुल्क में सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर यूज कर लिया जाए तो 50% कम हो सकता है। हेलमेट से बच जाता है बंदा? हेलमेट से सर उसका दिमाग बच जाता है। ठीक है, हेलमेट से दिमाग, अगर चोट लगती भी है तो वो उस लेवल की नहीं लगती? बिल्कुल नहीं लगती। देखिए ना, हम सीट बेल्ट क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि हमारा सर स्टीयरिंग के साथ ना टकराए, पसलियां टूटती हैं उसमें, सर बच जाता है। तो हम छोटी चीज की कुर्बानी दे के बड़ी चीज बचा लेते हैं। सही। इसलिए ये जो जब हमारे पास ये मरीज आते हैं तो इन, अब तो 1122 वाले आ गए, कुछ बेहतर हो गया जी। बट पेशेंट के मुंह के अंदर मट्टी मड होता है, लोगों ने उसको अजीब तरीके से उठाया होता है सीन से, हर बंदा उस वक्त डॉक्टर होता है, एक ने एक टांग पकड़ी होती है, एक ने एक बाजू, और जो उसकी इंजरी छोटी होनी होती है वो बड़ी हो जाती। बिल्कुल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस किस तरह से सहूलियात फराहम कर रहे हैं, कितने बेड्स हैं, कितने मरीजों की हर रोज सर्जरी हो रही है, क्या इलाज फराहम कर रहे हैं? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसके अंदर दाखिल होने के बाद एक रुपया भी आपको नहीं देना पड़ता। मैं चैलेंज से कहता हूँ, किसी दवाई पे, किसी चीज़ पे, यहाँ पे हम मरीजों की क्वालिंग कर रहे हैं जो कि 7-7, 10-10 लाख रुपए का प्रोसीजर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पेशेंट की, जो आपने मुझसे सवाल किया था, शरियान फट जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसके लिए हम क्वालिंग कर रहे हैं, क्लिप कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जबरदस्त। आज के दौर में सबसे बड़ी बात और अनाउंसमेंट यही थी कि एक रुपया नहीं लिया जा रहा। और फिर सर एक इशू ये था कि लोगों को MRI के लिए, CT स्कैन के लिए खासा इंतज़ार करना पड़ता है, सो उस पर भी काम किया जा रहा है। जो मरीज दाखिल हो जाता है उसका विद इन 1 डेज MRI हो जाता है, CT स्कैन उसी वक्त हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत तासुर, जो दाखिल हो गया उसके सब चीज़ें हो जाती हैं। सही। मैं भी डॉक्टर में कह रही थी कि किसी का ना थोड़ा सा खून निकलता हुआ देख लेना तो दिल को कुछ होने लगता है। तो आप लोग माशाल्लाह से बाहिम्मत लोग हैं, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को कुछ जिम्मेदारियां देकर ही पैदा किया होता है, उनको चुन लिया होता है। सर अपनी तमाम ज़िंदगी की मुश्किल तरीन सर्जरी क्या आपको भी कोई लगी? मैं एक बच्चे को जानता हूँ, अभी ज़िंदा है ये बच्चा, 5 बहनों का अकेला भाई, एंड ही इज़ 22 ईयर ओल्ड नाउ। इसकी जो बड़ी सिस्टर है वो मेरे पास आती है कि मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है एंड उसकी जो राइट साइड है वो वीक है, ज़बान से बात नहीं कर सकता। जब मैंने उसका टेस्ट करवाया तो पता लगा इसके अंदर शरियानों का एक गुच्छा है जो कि मिल गया होगा, तो इसको हम AVM कहते हैं। मैंने उसकी सर्जरी के लिए उसे, हमने सारे टेस्ट कराए, उसको मैंने ऑप्शन दिए, बेटा ये तरीका है, वो क्या, उसने कहा जी कि मैंने सर्जरी करानी है और मैं इस्तखारा करा के आई हूँ कि सर्जरी भी आपसे करवानी है। मैंने उसे जनरल हॉस्पिटल के लिए बुलाया तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने प्राइवेट करवानी है। उसके पास 3-4 मरले का घर था, वो पहले ही से बेच के मेरे पास आ चुकी थी। जब मैंने उसको ऑपरेट करने के लिए शुरू किया, मैं ये बात ऑनलाइन ऑन स्क्रीन बताना चाहता हूँ, आज तक मैंने बग़ैर वज़ू के सर्जरी नहीं की, ठीक। तो वो बच्चा जो है 10 बोतलें उसको खून की लगी, 5 पिन जो है मुझे लगे। बच्चा 4 महीने के बाद चलता फिरता है, उसकी बहनें, उसका वालदैन आज भी मेरे पास आते हैं, और ये मुझे इतना चैलेंजिंग केस लगता था, आज भी न्यूरो सर्जरी का माशाल्लाह सबसे मुश्किल तरीन केस है, और वो आप उसमें कामयाब हुए। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी आप बचाने वालों में शामिल होंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।